नमस्ते भैया बहनों, संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी के लिए आज हम पहले पाठ का तीसरा भाग यानी कि शेष बचे श्लोकों को लेकर के आए हैं। इनसे संबंधित अपन श्लोकों का हिंदी अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर इस भाग में हम सीखेंगे। जैसे विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर, छोड़कर। पौरुष माने मेहनत, परिश्रम। ही निश्चित ही, निश्चित ही। देवम भाग्य, प्रसाद सिंह महल के शिखर पर, महल के शिखर पर। मूर्धनी सिर पर, सिर पर। वायसा कोई, दूसरे से लोग देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल, फूल पत्ते फल छाया और जड़। बलकर छाल। दारू भी लकड़ी, दारू भी का आते लकड़ी। धन्य धन्य है। मरिदुहा वृक्ष, मरिदुहा का अर्थ है वृक्ष। का है अंति ना अर्थिने, अर्थिने है का अर्थ है भला चाहने वाला, भला चाहने वाला। इधर तीसरे में देखेंगे विपदाम मुसीबत, मुसीबत। आदाव एव आने पर, आने पर। प्रतिक्रिया उसकी प्रतिक्रिया यानी उपाय। उपकरण कुआं खोदना, कुआं खोदना। प्रदीप पे लगने पर, वहनी आग। ग्रह घर में। अर्थ ध्यान करेंगे, जो मनुष्य अपने मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, विहाय पुरुषम ही यो ही देवम एव अवलंब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्ते मूर्धनि तिष्ठति वायसः। जो मनुष्य अपने पुरुष को छोड़कर अर्थात परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे, भाग्य के सहारे जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनकी स्थिति, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे महल में, महल के शिखर पर लगे हुए शेर, शेर के सिर पर जैसे कुएं बैठते हैं। अर्थात जो मनुष्य अपने भाग्य के बल पर ही जीता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे महलों में जो लगे हुए सिंह की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और शेर, नाम का तो वो शेर है लेकिन वह शेर उस कौवे को भी नहीं उड़ा सकता है, यानी कि अपना परिश्रम से वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। अगले श्लोक में देखेंगे पुष्प पत्र फल छाया जड़ बलकर लकड़ी आदि जो है, आदि प्रदान करते हैं वृक्ष, इसलिए आदि दे करके, आदि के द्वारा वह मानव जाति का उपकार करते हैं, इसलिए धन्य है वह वृक्ष जिनसे कभी भी अपना लाभ या भला चाहने वाला व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता है, यानी उनको छोड़ करके अलग नहीं सोच सकता है, उनके बारे में भी चिंतन करना आवश्यक है। उन वृक्षों का भी वह सम्मान करेगा, उनको भी लगाएगा। चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया,
विपदा यानी मुसीबत, मुसीबत आने से पूर्व ही उसका उपाय, उसकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए, चिंतन कर लेनी चाहिए। ने पूर्व खननम युक्तम, जिस प्रकार आग लगने पर, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार मुसीबत आने पर उसका उपाय करना भी उचित नहीं है। आगे भैया बहनों इसमें ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये मनुष्य पौरुषम विहाय देवम ही अवलंबते तस्य स्थिति की दृशाः भवन्ति, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, तो उनका लिखेंगे उत्तर में प्रसाद सिंहवत, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, महलों में लगे हुए शेरों के समान। आगे देखेंगे धन्यः के संति, धन्य कौन है, तो उत्तर लिखेंगे मरीरुहा वृक्ष, मरीरुहा का अर्थ है वृक्ष। अर्थिने हैं केशाम विमुखा ने यान्ति, अर्थिने हैं केशाम विमुखा ने यान्ति, तो उत्तर लिखेंगे मरीरुहा, इनसे विमुख नहीं होता है, तो उत्तर लिखेंगे मरीरुहभ्ये। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, इसमें बताया है कि मुसीबत आने से पूर्व ही उसकी प्रतिक्रिया, उसका उपाय सोच लेना चाहिए, तो हम लिखेंगे कस्से प्रतिक्रिया आदावेव चिंतनिया, कस्से प्रतिक्रिया आदावेव चिंतनिया, किसकी किसका उपाय आने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए, तो उत्तर हो गया विपदाम। ने कूप खननम युक्ते, कदा कूप खननम ने युक्ते, कब कूप खनन, कब कुआ खोदना उचित नहीं है, तो लिखेंगे वहिनी गृह, घर में आग लगने पर कुआ खोदना उचित नहीं है, इससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर बताए हैं। अगले इसी पाठ के जो अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।